आपके वोट की जरूरत तो जरूर है। अब वो घेरते हैं, घेराबंदी कि जाएगा कहां फातमी। जब मैं आखिरी दिन मिल रहा था तेजस्वी से और लालू जी से बात किया, तुमने कहा कि आप एक मुस्लिम कायद को खो रहे हैं और मिथिलांचल के एक लीडर को खो रहे हैं। अरे क्या होगा, सब तो साथ है ना बाहो, कांग्रेस भी, राजद भी, फला भी, फला भी, तो मोहम्मदम कहां जाएं? मतलब आपके लीडरशिप को घेराबंदी करके कि भैया ये तो है ही है, जाएगा कहां मोहम्मदम। रिश्ता नीतीश कुमार जी से 32 साल का है, और अगर मैं पहली मर्तबा एमपी बना, मेरी किताब आ रही है, पढ़ना जरूर पढ़ना, और अगर मैं पहली मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो उसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार का था। आज तो वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन मुझे याद है, अगर आप में से जो बुजुर्ग लोग होंगे उनको याद होगा, मुन्ना भाई को भी याद होगा, प्यारे बाबू को भी याद होगा, प्यार प्रधान जी तो साथ घूमे ही हैं। मेरे पास एक खड़ी गाड़ी होती थी, उसी पे हमने शकीलुर रहमान साहब का चुनाव लड़ाया था, क्योंकि मैं खुद उम्मीदवार था, नहीं मिला तो उन्हीं का चुनाव लड़ाया। तो मैं जब गांव में जाता था तो लोग कहते थे, भाई चाय जब चलती थी या नाश्ता वास्ता, अरे ड्राइवर साहब को भी दे दो। तो शकील साहब कहते थे कि भाई ड्राइवर नहीं है, ये मालिक है। हाँ हाँ साई है, और ये फातमी साहब हैं, ये गाड़ी इनकी है, ये इंजीनियर हैं। तो मेरे घुमाने का फायदा ये हुआ कि आप सबसे मुलाकात हो गई, पूरे इलाके को समझ लिया। तो मैं उस जमाने की बात करता हूं 89 की, जब मैं गाड़ी ड्राइव करता था, नीतीश जी हमारे बराबर में होते थे, और न जाने कितनी जगह हम लोग साथ लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जाने कितने जगह हम लोगों ने मीटिंग किया, हम लोग साथ रहे। तो मेरा ताल्लुक 32 साल से नीतीश कुमार जी से है, इसका ध्यान रखना। और कभी भी इतनी सी बात आपकी होगी, भरोसा रखना। और आपका रिश्ता जो हमसे है, कोई आएगा, चुनाव लड़ेगा, चला जाएगा, आप लोगों ने जो मोहब्बत और प्यार दिया है, लोग मुझे जानते हैं तो क्या बोलते हैं, फातमी दरभंगा वाला। ये जो नाम दिया है दरभंगा के साथ, फातमी का नाम जोड़ा है, तो इसमें आपकी मेहरबानी है, आपके आबो अजदाद जो पुराने लोग हैं उनकी मेहरबानी है। अलीगढ़ सब फातमी जब एमपी बना तो फातमी का दरवाजा, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, ऊंची जाति का हो, अकलियत के लोगों, किसी के लिए बंद नहीं हुआ। आज इतना मुझे याद पड़ता है कि सबसे ज्यादा काम हम अध्यय जी से कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण बिरादरी का मेरे हाथों से हुआ होगा, एज ए मंत्री भी, एज ए एमपी भी, क्योंकि वो दिल्ली भी पहुंचते हैं, वो हर जगह काम ले लेते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा उनसे कि आपने मुझे वोट कम दिया या नहीं दिया, क्योंकि जब हम एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो सबके लिए बनते हैं, किसी एक के लिए नहीं बनते हैं। तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, और ये भरोसा
जो जुड़ता है आपका जनता दल यू से या नीतीश कुमार से, वो मेरी वजह से जुड़ता है। आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आपके दुख दर्द तकलीफ मैं आपके साथ रहूंगा। और मैं ही नहीं, फराज भी आपके साथ रहेगा। मैं बहुत कुछ नहीं बोलता हूं, राजनीति में बहुत कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं पहले बहुत कुछ बोल देता था, अब मैं जरा दरो दीवार से अपने साये से भी परहेज करता हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी दोस्ती रीफ्रेंडशिप नीतीश कुमार से विजिबली नजर आता हो आपको, वो 9 महीने या 10 महीने का है, लेकिन 32 साल में मेरे रिश्ते कभी खराब नहीं हुए नीतीश कुमार जी से। वो मुख्यमंत्री रहे हों, हम मंत्री रहे हों, हम एमपी रहे हों, जब मैं पहली मर्तबा जीत के गया तो वो मेरे साथ जीत के गए थे 91 में, याद होगा आपको। तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया पार्लियामेंट के अंदर, और बुलवाते थे बैठ करके कि आप बोलिए, तो वो सिर्फ हमारे सहयोगी नहीं थे बल्कि वो हमारे गार्जियन भी थे, हमारे लीडर भी थे। मैं गुजरे हुए वक्त को नहीं याद करता हूं, मैं 30 साल 32 साल खिदमत किया पार्टी का और ईमानदारी से रहा। लेकिन इसी बरुआरा घाट में जब लोग आए थे माननीय तेजस्वी जी, तो उन्होंने ऐलान किया कि क्या जिंदगी भर उनको टिकट मिलता ही रहेगा, और उन्होंने इसी बरुआरा घाट की मीटिंग में कहा था कि वो पार्टी से निकला हुआ समझे अपने आप को, छोटी मुंह और बड़ी बात, तुम्हारी क्या हैसियत, जिस 32 साल मैंने जिस पार्टी में नर्स किया काम किया, तुम्हारी तो उतनी उम्र भी नहीं थी। कोई बर्बाद कोई नहीं करता, यकीन मानना, आदमी खुद बर्बाद हो जाता है। आज दिन नहीं है कि रघुवंश बाबू ने क्या लिखा, मैं नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आज वो दिन नहीं है। क्या बिगाड़ा था अली अशरफ फातमी ने, तुमने 6 महीना मुझसे मधुबनी में कहा कि जाइए वहां से चुनाव लड़ना, मैं चला गया मधुबनी, 6 महीना काम किया, और तुमने उस टिकट को बेचने का काम किया, शर्म नहीं आती है? आप समझ लेना, झूठी बात नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। उनको हड्डी वाला मुसलमान लीडर नहीं चाहिए जिसके अंदर बोन हो, बोनलेस लीडर चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, कभी पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा अकलियत के सवाल को उठाने वाला जनता दल का लीडर सैयद शहाबुद्दीन होता था, जो किशनगंज से एमपी होते थे, हड्डी वाला था, कान पकड़ के बाहर कर दिया। कभी अब्दुल गफूर इस पार्टी में आए थे, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बिहार के, और ऐसे लोग डरते नहीं किसी से, एमपी बने गोपालगंज से जनता दल के, कान पकड़ के उनको भी निकाल दिया।
कभी फैयाजुल आजम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे बेतिया से, उनके वालिद भी एमएलए हुआ करते थे, कान पकड़ के निकाल दिया। कभी फैयाज भागलपुरी मंत्री होते थे आपकी पार्टी से, जनता दल से, याद करो पहली मर्तबा हुए थे। मुन्ना मुश्ताक किशनगंज के नेता थे, मुमताज अंसारी कोडरमा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। आपके वोट की जरूरत तो जरूर है। अब वो घेरते हैं, घेराबंदी कि जाएगा कहां फातमी। जब मैं आखिरी दिन मिल रहा था तेजस्वी से और लालू जी से बात किया, तुमने कहा कि आप एक मुस्लिम कायद को खो रहे हैं और मिथिलांचल के एक लीडर को खो रहे हैं। अरे क्या होगा, सब तो साथ है ना बाहो, कांग्रेस भी, राजद भी, फला भी, फला भी, तो मोहम्मदम कहां जाएं? मतलब आपके लीडरशिप को घेराबंदी करके कि भैया ये तो है ही है, जाएगा कहां मोहम्मदम। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।